वेलकम तो आप सभी जिनका भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है या कैटेगरी 3 यानी कि ओनली पीएचडी में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि आप सभी के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या हम पीएचडी के लिए अप्लाई करें। तो पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक साल का समय है। आपको इस स्कोर कार्ड के तहत एक साल के अंदर अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेना होगा पीएचडी में। एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि स्टाइपेंड की अमाउंट आपकी यहाँ पे फिक्स नहीं होगी जैसा जेआरएफ में होता है। जेआरएफ में यही बेनिफिट होता है, बट आपको जो है विद इन दी यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जिसके तहत आप स्टाइपेंड अचीव कर सकते हो अगर आप वो स्कॉलरशिप टेस्ट को पूरा कर लो या जो भी कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करवा दो। तो वो चीज़ पे आप फोकस करिए कि किन यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी स्कीम्स होती हैं उसके तहत आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोई और एग्जामिनेशन देना होगा तो नहीं, आपका ये जो स्कोर कार्ड है वो आपका लिया जाएगा। 70% मार्क्स इसमें से आएंगे और 30% आपके इंटरव्यू के मार्क्स होने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। एंड आपको मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि मेक श्योर कि आप इस दौरान जो है पीएचडी अगर करना ही चाहते हो फाइनली, तो आप एडमिशन ले लो एंड साथ साथ जेआरएफ की तैयारी करो। जेआरएफ जब हो जाएगा तो आपको कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए जो है पूरा स्टाइपेंड मिलने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड जेआरएफ के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको 50% तक स्कॉलरशिप में जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है स्कॉलरशिप, तो आप लोग दिसंबर 2024 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।